21 सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलियनियर्स, वित्तीय स्वतंत्रता कैसे जल्दी और आसानी से पाएं, ये किताब ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई है। अध्याय एक, रहस्य। बड़े सपने देखें, केवल बड़े सपनों में ही वो शक्ति है जो इंसान के मन को आगे बढ़ाता है। स्वनिर्मित करोड़पतियों का पहला रहस्य बिल्कुल सहज है, बड़े सपने देखें। स्वयं को सपने देखने की अनुमति दे। आप जैसा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उसकी कल्पना करने और सपने देखने की खुद को अनुमति दे। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कितना बैंक बैलेंस चाहते हैं, उसके बारे में सोचें। सभी शुरुआत कुछ अच्छे सपने से करते हैं, ऐसे सपने जो उससे अलग हैं, जो आज उनके पास है। आपने वो गाना सुना होगा, सपने बन जाए अपने, ये आपके और सबके लिए सत्य है। कल्पना करें कि आप जीवन में क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। कुछ समय के लिए कल्पना करें कि आपके पास पूरा समय है, काफ़ी पैसे हैं, काफ़ी शिक्षा है, सभी दोस्त हैं, सभी पहुंच है, सभी साधन है, और वो सब है जो आप जीवन में हासिल करना चाहते हैं। अगर आपका सामर्थ्य पूरी तरह से असीमित है तो आप अपने और अपने परिवार के लिए कैसा जीवन चाहेंगे। भविष्य से शुरू करके पीछे देखने का अभ्यास करें। ये एक शक्तिशाली तकनीक है जो हमेशा बहुत अच्छा काम करने वाले महिला और पुरुष द्वारा व्यवहार में लाई जाती है। इस तरह सोचने का आपके दिमाग और व्यवहार पर अद्भुत असर होगा। ये इस तरह काम करता है। खुद को 5 साल आगे रखें। कल्पना करें कि 5 साल बीत गए और आपका जीवन हर तरह से परफेक्ट है। ये कैसा दिख रहा है? आप क्या कर रहे हैं? आप कहाँ काम कर रहे हैं? आप कितने पैसे कमा रहे हैं? आपके बैंक में कितने पैसे हैं? आपकी जीवन शैली कैसी है? खुद के दीर्घकालीन भविष्य का ख्याल करें। आपके स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धता का ख्याल जितना साफ होगा, आप उसकी तरफ और वो आपकी तरफ उतनी तेजी से बढ़ेंगे। आप जीवन में कहाँ जा रहे हैं? अगर इसकी तस्वीर आपके दिमाग में साफ होगी तो आप अपने सपने को साकार करने में ज़्यादा सकारात्मक, उत्साहित और दृढ़ होंगे। आप अपने स्वाभाविक संरचनात्मकता को सक्रिय करेंगे और आपको सपने को यथार्थ में बदलने का एक के बाद एक सुझाव मिलेगा। आपकी प्रवृत्ति हमेशा अपने प्रमुख सपने और ख्याल की दिशा में बढ़ने की होती है। खुद को बड़े सपने देखने की अनुमति देना वास्तव में आपके खुद के सम्मान को बढ़ाता है और इससे आप खुद को ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा आदर देते हैं। ये आपकी सोच और आपके आत्मविश्वास का स्तर बढ़ाता है। ये व्यक्तिगत स्तर पर आपके खुद के लिए सम्मान और खुशी बढ़ाता है। अगर आप सपना देखते हैं तो एक चीज़ बहुत दिलचस्प है इसके बारे में, ये आपको पहले से बेहतर काम करने के लिए उकसाता है, ऐसा काम जो आपने पहले कभी नहीं किया। यहाँ एक प्रमुख सवाल है आपके लिए, खुद से बार बार पूछे और जवाब मांगे। अगर मुझे पता है कि मैं असफल नहीं होऊंगा तो वो कौन सा सपना है जिसे देखने की मैं हिम्मत करूंगा? अगर आप किसी लक्ष्य की सफलता के लिए पूरी तरह से निश्चित हैं, छोटा या बड़ा, दीर्घकालीन या लघुकालीन, तो वो क्या होगा? वो कौन सा लक्ष्य है जो आप हासिल करने के सपने देखेंगे अगर आप जानते हैं कि आप असफल नहीं होंगे? ये जो भी हो उसे लिखें और कल्पना शुरू करें कि आप उसे पहले से ही हासिल कर चुके हैं। तब पीछे देखें कि आप आज कहाँ हैं, जहाँ आप पहुँचना चाहते थे उसके लिए आपने क्या किया होगा, आपने उसके लिए क्या कदम उठाए होंगे, अपने जीवन में क्या बदलाव लाए होंगे, किस चीज़ की शुरुआत की होगी, किस चीज़ का अंत, आप किसके साथ होंगे। अगर आपका जीवन हर तरह से परफेक्ट होगा तो कैसा होगा? इनके जवाब जो भी हो, पहला कदम आज बढ़ाएं। ये सपने देखना आर्थिक स्वतंत्रता के लक्ष्य को हासिल करने का पहला कदम है। लोग ये नहीं कर पाते, इसका पहला कारण ये है कि वो सोच ही नहीं पाते कि वो कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप वो कभी कोशिश ही नहीं करते, वो कभी शुरुआत ही नहीं करते। जो कमाते हैं वो सारा खर्च कर देते हैं, केवल कुछ बचाकर। लेकिन जब आप आर्थिक स्वतंत्रता के लिए बड़े सपने देखना शुरू करेंगे तो आप खुद को और अपने जीवन को देखने का नज़रिया बदल देंगे। आप कुछ अलग काम करना शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे, जब तक कि आपका जीवन बेहतरी के लिए बदल नहीं जाता। बड़े सपने देखना आर्थिक सफलता और स्वनिर्मित करोड़पति बनने का पहला कदम है। अभ्यास कार्य। अगर आपकी सफलता पूरी तरह से तय हो तो आप क्या क्या करेंगे, उनकी एक सूची बनाएं और तब कोई एक काम करने की सोचें और उसे तुरंत करें।
अध्याय 2। आपको किस दिशा में जाना है उसे जानें। एक इंसान एक स्पष्ट प्रयोजन के साथ उबड़ खाबड़ रास्ते में भी उन्नति कर लेगा, लेकिन अगर प्रयोजन स्पष्ट न हो तो अच्छे रास्ते पर भी उन्नति नहीं होगी। अपने सपनों को हवा से बाहर निकालें, उसे स्पष्ट खास लिखित लक्ष्य में एक निश्चित रूप दें। शायद मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खोज यही है कि आप ज़्यादातर समय वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। दो बातें किसी भी चीज़ से अधिक महत्वपूर्ण है। पहला, जीवन में आपके साथ वही होता है जो आप सोचते हैं, और दूसरा, आप उस बारे में कैसे सोचते हैं। सफल व्यक्ति ज़्यादातर समय अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, परिणाम स्वरूप वो लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और लक्ष्य उनकी ओर। आप जीवन में ज़्यादातर समय जिस बारे में सोचते हैं आपके जीवन में उसका विकास बढ़ता जाता है। अगर आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, बातें करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, तो आप उस लक्ष्य को पाने में उन साधारण इंसानों से कहीं ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं जो केवल अपनी समस्याएं और चिंताओं के बारे में बातें करते हैं। यहाँ 7 कदम का एक फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल आप करोड़पति बनने में कर सकते हैं। पहला, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में वास्तव में क्या चाहते हैं उसे तय करें, खासकर अपने आर्थिक जीवन में। अधिकतर लोग ऐसा नहीं करते। दूसरा, अपने लक्ष्य को स्पष्ट लिखें। जब आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं तो आपके हाथ और दिमाग के बीच कुछ अद्भुत होता है। तीसरा, हर लक्ष्य के लिए समय सीमा बनाएं। अगर लक्ष्य बड़ा है तो उसे कई भागों में बांटकर सबके लिए समय सीमा बनाएं, खुद के लिए समय सीमा बनाएं। चौथा, लक्ष्य तक पहुंचने में आपको जो करना होगा इस बारे में आप जितना सोच सकते हैं उन सब की सूची बनाएं। अगर आपके दिमाग में नए सुझाव आते हैं तो उसे शामिल करते रहें जब तक कि आप लक्ष्य हासिल न कर लें। पांचवा, अपनी सूची के अनुसार कार्य करने की योजनाएं बनाएं। निर्णय लें कि पहले आप क्या करेंगे और बाद में क्या। तय करें कि क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्या कम। छठा, अपनी योजना पर तुरंत काम करना शुरू करें। बहुत से लक्ष्य और योजना कभी कभी केवल टाल मटोल के कारण पूरे नहीं हो पाते। सातवां, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन कुछ न कुछ ऐसा जरूर करें जो आपको आपके लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाए। एक दिन ऐसा करना आपको बड़ी सफलता देगा। यहाँ सबके लिए अभ्यास है, एक कागज लें, उसके ऊपर बीच में लक्ष्य शब्द को आज की दिनांक के साथ लिखें। अब 10 लक्ष्यों की एक सूची बनाएं जो आप अगले 12 महीनों में हासिल करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य को वर्तमान काल में लिखें। हर लक्ष्य की शुरुआत आय से करें, उसे व्यक्तिगत बनाने के लिए। जब आप अगले साल के लिए 10 लक्ष्य बनाएंगे तो आप खुद को समाज के 3% लोगों में शामिल करेंगे। दुख की बात यह है कि 97% लोग अपने जीवन में कभी लक्ष्य बनाते ही नहीं हैं। 10 लक्ष्य बनाने के बाद एक बार सूची को देखें और इन सवालों को खुद से पूछें। इस सूची का कौन सा लक्ष्य अगर आप हासिल कर लेते हैं तो उसका आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जवाब जो भी हो, उस लक्ष्य को गोल करें, उसे एक नंबर दें। भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए समय सीमा बनाएं, योजना करें, काम शुरू करें और हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको लक्ष्य की ओर ले जाएं। अब से उस लक्ष्य के बारे में हर समय सोचें और बातें करें। सोचें कि वो लक्ष्य आप कैसे पा सकते हैं। उन विभिन्न कदमों के बारे में सोचें जो आप अपने लक्ष्य को यथार्थ में बदलने के लिए ले सकते हैं। ये अभ्यास आप में स्फूर्ति लाएगा, आपकी ऊर्जा और सामर्थ्य को बढ़ाएगा। अभ्यास कार्य, हमेशा लिखकर सोचें। जो लक्ष्य आप बनाते हैं उसे लिखें और उसे हासिल करने की योजना बनाएं। ये अभ्यास अकेले ही आपको स्वनिर्मित करोड़पति बना सकता है। अध्याय 3, खुद को एक सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह देखें। अभी से पूरी तरह से ये स्वीकार करें कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं और जैसे भी होंगे, उसके लिए 100% जिम्मेदार आप हैं। बहाने बनाना छोड़िए। अपनी खामियों और अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए। आपके जीवन में आप जिन बातों से खुश नहीं हैं उनकी शिकायत करना बंद करें। किसी भी बात के लिए अन्य लोगों की निंदा न करें। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। उसे बदलना आपके हाथ में है, वो शक्ति आपके पास है। अमेरिका के टॉप 3% लोग खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह देखते हैं। उनके वेतन चेक पर कौन हस्ताक्षर करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हैं वो है ये सोचना कि आप खुद के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए काम करते हैं।
आप हमेशा सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ काम करते हैं। जब आप खुद को एक सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह देखते हैं तो आप एक एंटरप्रेन्योर मेंटेलिटी विकसित करते हैं, एक स्वतंत्र सब जिम्मेदार इंसान। आप इस बात का इंतजार नहीं करेंगे कि कुछ होगा, आप खुद शुरुआत करेंगे, खुद को अपने जीवन का मालिक समझेंगे। आपका स्वास्थ्य, आपका आर्थिक सुख, आपकी जीवन शैली, आपके रिश्ते, आपका घर, गाड़ी, हर कुछ आपके हाथ में होगा। तो निर्मित करोड़पति की सोच यही है। सब जिम्मेदार लोग रिजल्ट को सोचकर काम करते हैं, वो हमेशा शुरुआत करते हैं, वो और भी जिम्मेदारियों के लिए उत्सुक रहते हैं। परिणाम स्वरूप संस्था के लिए वो बहुत कीमती और आदरणीय बन जाते हैं। वो खुद को ज़्यादा जिम्मेदारियों के लिए तैयार करते रहते हैं। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। यहाँ आपके लिए एक सवाल है, अगर आप एक दिन के लिए कंपनी के प्रेसिडेंट बन जाएं तो आप क्या बदलाव लाएंगे? जवाब जो भी हो उसे लिखें, उसकी योजना करें, तुरंत लागू करें। ये एक काम अकेले ही आपका जीवन बदल देगा। अभ्यास कार्य, अपने आर्थिक लक्ष्य को पूरे मन से न करने का कारण चुनें। क्या कोई कारण या कोई इंसान है जो आपको पीछे की ओर खींच रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा? ये जो भी है, अपनी जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह से खुद लें और आज से ही काम शुरू करें। अध्याय 4, वो काम करें जो करना आपको पसंद है। वो काम करना जिसे करना आप पसंद करते हैं, आर्थिक सफलता के महान रहस्यों में एक है, जीवन की प्राथमिक जिम्मेदारियों में एक है। वो काम खोजना जिसे करने में आपको मजा आता है। वो क्या है जिसके लिए आपके पास स्वाभाविक टैलेंट है? उसे खोजें और फिर खुद को पूरी तरह से उसमें समर्पित कर दें। स्वनिर्मित करोड़पति वो होते हैं जो एक ऐसा कार्य क्षेत्र ढूंढते हैं जहां उनके स्वाभाविक गुण और योग्यता का सही सही सदुपयोग होता है, और तब वो रिजल्ट हासिल करते हैं। अधिकतर करोड़पति कहते हैं कि उन्होंने जीवन में एक दिन भी काम नहीं किया। आपको एक ऐसा क्षेत्र ढूंढना है जहां आप पूरी तरह से तलीन हो जाएं, जहां आपके स्वाभाविक गुण और योग्यता का पूरी तरह से सदुपयोग हो। अगर आप वो काम करते हैं जिन्हें करना आपको पसंद है तो आप लगातार अपने अंदर उत्तेजना ऊर्जा पाएंगे। आप हर समय उसे और बेहतर बनाने के सुझाव पाएंगे। यहाँ आपके लिए एक सवाल है, अगर आज आप 1,00,000 रुपये टैक्स फ्री जीतते हैं तो क्या आप कल भी वही काम करेंगे जो आज कर रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये एक सीधा सवाल है जो आपसे पूछना है कि अगर आपके पास पैसे और समय की कमी न हो और आपको पेशा चुनने की स्वतंत्रता हो तो आप क्या करेंगे? स्वनिर्मित करोड़पति अगर 1,00,000 रुपये जीतते हैं तो वो कल भी वही करेंगे जो वो आज कर रहे हैं। वो केवल काम का तरीका स्तर बदलेंगे, लेकिन वो अपने काम से इतना प्यार करते हैं कि वो उसे छोड़ने का सोचेंगे भी नहीं। शायद व्यस्क जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जब आपके पास पेशों के बहुत सारे विकल्प हो तो अपने लिए वो चुनना जो आपको पसंद है और तब खुद को उस क्षेत्र में समर्पित कर देना। ये काम आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। अभ्यास कर रहे, वो काम ढूंढे जिसे करने में आपको मजा आता है। आज तक आपकी सफलता के लिए कौन सा कार्य जिम्मेदार है? अगर आप कोई भी काम कर सकते हैं तो और सफल हो सकते हैं तो आप कौन सा काम चुनेंगे? इसे एक लक्ष्य की तरह बनाएं, योजना करें और आज ही इस दिशा में काम शुरू करें। अध्याय 5, बहुत अच्छा करने का वचन लें। आज आप जो करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे, ऐसा संकल्प लें। अपने क्षेत्र के टॉप 10% में पहुंचने का लक्ष्य बनाएं। निर्णय लें कि आप जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। ये आपका जीवन बदल सकता है। लगभग सभी सफल व्यक्ति अपने द्वारा चुने क्षेत्र में बहुत ही योग्य होने के कारण जाने जाते हैं। याद रखें, आपसे बेहतर और आपसे स्मार्ट कोई नहीं है। वो सब जो आज टॉप 10% में है, अपनी शुरुआत में अंतिम 10% में थे। हर कोई जो आज बहुत अच्छा कर रहा है, गलतियां उससे भी हुई। जो अन्य लोगों ने किया वो आप भी कर सकते हैं। यहाँ सफलता का एक नियम है, आपका जीवन तभी बेहतर होगा जब आप बेहतर होंगे। और आप खुद को और अपने जीवन को कितना बेहतर बना सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। आपका ये निर्णय कि आप जो भी क्षेत्र चुनेंगे उनमें बहुत अच्छा करेंगे, टॉप 10% में पहुँचेंगे, ये सफलता का सूत्र है। ये आपके सम्मान, आपके गौरव की बुनियाद है। जब आप वास्तव में कुछ बहुत अच्छा करेंगे तो आप खुद के लिए बहुत अच्छा महसूस करेंगे। बहुत अच्छा करना आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा, सभी के साथ आपके रिश्ते को अच्छा करेगा। जब आप अपने क्षेत्र के टॉप 10% में पहुँचेंगे तो आप बेहद अच्छा महसूस करेंगे। यहाँ आपको खुद से पूछने के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है,
वो कौन सा कौशल है जो अगर मैं अपने अंदर विकसित करता तो आज उसका मेरे जीवन पर बहुत सकारात्मक असर होता। आप हर चीज में बहुत अच्छे नहीं हो सकते, आप एक कौशल ढूंढिए जिसमें आप बहुत अच्छे हैं और खुद को समर्पित कर दीजिए। इसे एक लक्ष्य की तरह ले, योजना करें और हर दिन उसे बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएं। इससे आपके जीवन में जो बदलाव आएगा आप दंग रह जाएंगे। ये वायदा अकेले ही आपको स्वनिर्मित करोड़पति बना सकता है। अभ्यास कार्य, अपने वर्तमान कार्य का प्रमुख परिणाम क्षेत्र चुनें। आपके क्षेत्र में वो कौन सा काम है जो आपके क्षेत्र में ऊपर तक ले जाएगा। आप किन कार्यों में मजबूत और किन कार्यों में कमजोर हैं। आज ही योजना बनाएं कोई एक कौशल चुनने की जिसमें आप अभ्यास करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। अध्याय 6, देर तक और परिश्रम से काम करें। सभी स्वनिर्मित करोड़पति बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। वो और लोगों से जल्दी शुरुआत करते हैं, ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं और देर तक काम करते हैं। सबसे ज्यादा मेहनत करने वालों की सूची में आने के लिए, अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठा पाने के लिए वो कड़ी मेहनत करते हैं और ये जानकारी सबको होती है। आइए 40+ फॉर्मूला का अभ्यास करते हैं। ये फॉर्मूला कहता है कि आप हर सप्ताह 40 घंटे काम करते हैं, 40 घंटे के बाद किया गया काम सफलता के लिए होगा। अगर आप केवल 40 घंटे काम करते हैं, जहां आज औसतन प्रति सप्ताह काम 35 घंटे हो गए हैं, तो वो जीने के लिए है। आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको बड़ी आर्थिक सफलता कभी नहीं मिलेगी, आपको अपने सहकर्मियों के द्वारा कभी भी बहुत आदर और सम्मान नहीं मिलेगा। आप औसतन 40 घंटे पर सप्ताह काम करके हमेशा मीडियोकर ही रहेंगे, लेकिन 40 घंटे के बाद हर एक घंटा आपका भविष्य के लिए निवेश है। 40 घंटे से कितना अधिक आप काम करते हैं, उस आधार पर आप कह सकते हैं कि 5 साल बाद आप कहाँ रहेंगे। लंबे दिन और कड़ी मेहनत की जगह कोई नहीं ले सकता। अमेरिका में स्वनिर्मित करोड़पति सप्ताह में औसतन लगभग 59 घंटे काम करते हैं, उनमें से कई 70 या 80 घंटे काम करते हैं। खासकर उनके जीविका की शुरुआत में वो सप्ताह में 5 की बजाय 6 दिन काम करते हैं और ज्यादा देर तक काम करते हैं। अगर आप किसी स्वनिर्मित करोड़पति से बात करना चाहते हैं तो आपको समय ऑफिस आवर के पहले या बाद का मिलेगा। सभी करोड़पति ऑफिस में अन्य स्टाफ के जाने के पहले जाते हैं और उनके जाने के बाद जाते हैं। और यहाँ एक सूत्र है, जब आप काम कर रहे हैं तो पूरे समय काम करें, समय बर्बाद न करें। जब आप जल्दी उठते हैं तो खुद को काम में लगा दें। जब लोग आपसे बात करना चाहे तो उनसे माफ़ी मांगें कि मुझे काम में वापस जाना है और अपना काम करें। अपने किसी भी काम, कपड़े धोना, बातें करना कम न करें। जब आप काम कर रहे हैं तो पूरे समय काम करें। आज ही बहुत परिश्रम करने का प्रण लें, अपनी कंपनी में सबसे मेहनती स्टाफ बने। आपकी मेहनत लोगों का ध्यान आपकी ओर खींचेगी। अभ्यास कार्य, हर दिन जितने घंटे आप काम करते हैं उन्हें बढ़ाने की योजना करें। ऑफिस घंटे पहले पहुंचने का निर्णय लें। लंच समय में जब सब जाते हैं तब आप काम करें, ऑफिस के घंटे बाद काम करें। हर दिन 2 घंटे ज्यादा काम करने से आपको दुगुना परिणाम मिलेगा। अध्याय 7, जीवन भर सीखने के लिए खुद को समर्पित करें। आपने जिस क्षेत्र को चुना है वस्तुतः उसमें सीखने और सुधार लाने के लिए आपके पास असीमित सामर्थ्य है। आपके पास कहीं ज्यादा दिमाग, योग्यता और ज्ञान है जो आप बाकी के जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट आप हैं। ऐसी कोई बाधा नहीं जिस पर आप काबू नहीं पा सकते, ऐसी कोई समस्या नहीं जो आप समाधान नहीं कर सकते, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। बस आपको अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग करना है, लेकिन आपका दिमाग एक मांसपेशिया की तरह है। ये तभी विकसित होगा जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे मांसपेशी बनाने के लिए आपको कसरत करनी होती है, वैसे ही आपको अपनी मानसिक मांसपेशी को विकसित करने के लिए उससे काम करवाना होगा। अच्छी खबर यह है कि जितना आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आप सीख सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे स्पोर्ट्स में जितना आप खेलेंगे उतना अच्छा खेलेंगे। आपका समर्पण सीखने के लिए जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आप सीखेंगे। लीडर्स हमेशा सीखते रहते हैं, वे 21वीं सदी का सूत्र है। आपको अपने क्षेत्र में सफलता के लिए जीवन भर सीखते रहना होगा। आज ही ये तय करें कि आप अपने कौशल के विद्यार्थी बनेंगे, जीवन भर उस कौशल के लिए पढ़ते और सीखते रहेंगे। जीवन भर सीखने के लिए 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र, अपने क्षेत्र में कम से कम 30 से 60 मिनट रोज पढ़ना।
पढ़ाई और दिमाग का वही रिश्ता है जो कसरत और शरीर का होता है। हर दिन एक घंटा पढ़ने से आप सप्ताह में एक किताब पढ़ लेंगे। एक किताब हर सप्ताह मतलब हर साल 50 किताब मतलब अगले 10 सालों में 500 किताबें। चूंकि औसतन आदमी साल में एक किताब से भी कम पढ़ता है, इसलिए अगर आप इस तरह पढ़ते हैं तो अपने क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाएंगे। जीवन भर सीखने का दूसरा सूत्र है ऑडियो सुनना। तब जब आप गाड़ी से ऑफिस जाते हैं, साधारणतः इंसान गाड़ी में हर साल तकरीबन 500 से 1000 घंटे बैठता है। अपनी गाड़ी को सीखने की मशीन में बदलिए। कभी भी अपनी गाड़ी बिना ऑडियो प्रोग्राम के न चलाएं। बहुत से लोग इस ऑडियो प्रोग्राम से करोड़पति बन गए। यही कारण है कि ऑडियो प्रोग्राम को प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद महत्वपूर्ण खोज माना जाता है। जीवन भर सीखने का तीसरा सूत्र है वो हर कोर्स या सेमिनार अटेंड करें जो आपको लगता है कि वो आपको अपने क्षेत्र में बेहतर बनने में मदद कर सकता है। किताब, ऑडियो प्रोग्राम और सेमिनार एक साथ मिलके आपकी 100 घंटे की बचत, हजारों डॉलर और सालों की मेहनत को बचा सकते हैं और आपकी आर्थिक सफलता में मदद करते हैं। जीवन भर सीखते रहने का निर्णय आज ही लें। इससे आपकी जीविका में जो प्रभाव पड़ेगा, आप दंग रह जाएंगे। ये आपके स्वनिर्मित करोड़पति बनने का प्रमुख कारण बन सकता है। अध्याय 8, खुद को सबसे पहले पे करें। आज संकल्प करें कि आप जीवन में जब तक काम करेंगे अपनी आमदनी का 10% बचत करेंगे और उसे निवेश करेंगे। हर महीने जब आप तनख्वाह पाएंगे तो 10% आर्थिक संग्रह के लिए खास अकाउंट में डालेंगे। हर महीने आप अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बचाते हैं और उसे म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो ये 10% का ब्याज देगा। इसका मतलब अगर कोई इंसान कम कमाता है लेकिन शुरुआत से थोड़े थोड़े जमा करता है तो वो अपने कार्यकाल के अंत में करोड़पति बन जाएगा। जीवन भर बचत और निवेश बहुत आसान नहीं है। इसमें अद्भुत संकल्प और इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। इसे एक लक्ष्य की तरह बनाना होगा। इसे लिखें, योजना बनाएं और हर समय उस पर काम करें। लेकिन जब एक बार ये आदत बन जाएगी तो वास्तव में आर्थिक सफलता निश्चित हो जाएगी। किफ़ायत का अभ्यास करें। हर चीज़ में किफ़ायत, हर रुपये के साथ सावधानी बरतें। हर खर्चे पर सवाल करें। हर जरूरी खरीदारी के लिए एक महीना नहीं तो कम से कम एक हफ्ता विलंब करें। जितना विलंब आप करेंगे खरीदारी उतनी अच्छी होगी और उतनी ही अच्छी कीमत पर आप उसे पाएंगे। लोग रिटायर होते समय गरीब होते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि उमंग में आकर के की गई खरीदारी वो कुछ देखते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, बहुत कम सोचकर वो खरीद लेते हैं। वो पार्किंसन लॉ के शिकार हो जाते हैं जो कहता है आय से मिलने के लिए व्यय पड़ता है। इसका मतलब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं, थोड़ा बचाकर आप सारे खर्च कर देंगे। आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे और कर्ज से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन आपको पार्किंसन लॉ का शिकार नहीं होना है। अगर आप 10% का बचत नहीं कर सकते तो शुरुआत 1% बचत से करें। महीने की शुरुआत में ही इसे अलग कर लें, बाकी 99% खर्च के लिए रहने दें। जब आपको 99% के साथ रहने की आदत हो जाए तो 2% बचाना शुरू करें, बाकी 98% खर्च के लिए। एक साल के अंदर ही आप 10% बचत करने लगेंगे या 15% या 20%। आपका बचत खाता और निवेश खाता भी बढ़ेगा। आप अपने खर्च पर ज़्यादा ध्यान देंगे, आपका कर्ज पूरा होगा। 1 या 2 साल के अंदर आर्थिक जीवन पर आपका नियंत्रण होगा और आप स्वनिर्मित करोड़पति बनने के रास्ते में होंगे। ये प्रक्रिया जिसने भी अपनाई है सफल हुए हैं, आप भी कोशिश करें। अध्याय 9, अपने व्यवसाय के हर पहलू को सीखें। मार्केट बहुत अच्छे काम के लिए बहुत अच्छा इनाम देता है। औसतन काम के लिए औसतन इनाम और औसत से भी नीचे काम के लिए आपको असफलता और निराशा मिलती है। आपने अपने लिए जिस क्षेत्र को चुना है उसमें एक्सपर्ट बनना आपका लक्ष्य होना चाहिए। आपको हर छोटी बड़ी बातें सीखनी चाहिए जिससे आप और बेहतर काम कर पाएं। अपने क्षेत्र में प्रकाशित हर मैगजीन पढ़ें, नई किताब पढ़ें और अध्ययन करें। अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट द्वारा दिए गए कोर्स और सेमिनार में शामिल हो, हर मीटिंग में उपस्थित हो, अपने क्षेत्र के टॉप लोगों के साथ संबंध बनाएं। इंटीग्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी लॉ कहता है जो इंसान किसी क्षेत्र में सूचनाओं का इस्तेमाल कर सकता है, एकीकरण कर सकता है, तो बहुत जल्द वो उस क्षेत्र के टॉप में पहुंच जाएगा। अगर आप सेल्स में हैं तो अति महत्वाकांक्षी बने, सेलिंग प्रक्रिया के बारे में पढ़ते रहें। सेल्स के टॉप 20% लोग बॉटम 80% लोगों से 16 गुना ज़्यादा कमाते हैं।
टॉप 10% और भी ज़्यादा कमाते हैं। अगर आप मैनेजमेंट में हैं तो प्रमुख प्रोफेशनल मैनेजर बनने का प्रण लें। अगर आप खुद का व्यवसाय करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो एंटरप्रेन्योर करनीति पढ़ें और नीचे दिए गए सुझाव की कोशिश करें। अपने व्यवसाय या पेशों में सबसे अच्छा बनने के लिए लक्ष्य बनाएं। एक छोटी जानकारी सुझाव आपके कैरियर में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इन्हें सोचना कभी बंद न करें। नंबर 10, खुद को दूसरों की सेवा में समर्पित करें। आप दूसरों की जो मदद करते हैं आपको हमेशा उसके अनुसार उसके अनुपातिक फल मिलेगा। सारे स्वनिर्मित करोड़पतियों को दूसरों की मदद करने का जुनून है। वो हर समय अपने ग्राहक के बारे में सोचते हैं। वो हर समय ये सोचते हैं कि उनसे उनके ग्राहक को दूसरों से बेहतर सेवा कैसे दे सकते हैं, और वो नए नए तरीके अपनाते हैं। खुद से ये सवाल करते रहें, मेरा ग्राहक वास्तव में क्या चाहता है, मेरे ग्राहक की जरूरत क्या है, मैं अपने ग्राहक को दूसरों से बेहतर क्या दे सकता हूँ। अगर आज मेरे ग्राहक दूसरे से खरीद रहे हैं तो उसका कारण क्या है, मैं उन्हें क्या प्रस्ताव दूं कि वो मेरे पास वापस आए। जीवन में आपकी सफलता हमेशा अनुपातिक होगी कि जितना आपको करना है, जितनी आपसे उम्मीदें हैं उससे ज़्यादा आप क्या करते हैं। आपको जितनी तनख्वाह मिल रही है हमेशा उससे ज़्यादा काम करने की सोचें। अपने ग्राहक के लिए कुछ अधिक करें। याद रखें, अतिरिक्त माइल पर कभी ट्रैफिक जाम नहीं होता। आपके कार्य की सफलता आपके ग्राहक पर निर्भर करती है। इसका मतलब आपके बॉस, आपके सहकर्मी और वो जो आपसे खरीदते हैं आपके ग्राहक हैं। आपके ग्राहक वो भी हैं जो अपनी सफलता या संतुष्टि के लिए आप पर निर्भर करते हैं। यहाँ एक सवाल है जो आपको हर दिन पूछने और जवाब देने की ज़रूरत है। मैं अपने ग्राहक को और अच्छी सेवा कैसे दे सकता हूँ? आप जो करते हैं उसे और अच्छा बनाने के तरीके ढूंढें। आपके ग्राहक की सेवा के तरीके में एक छोटा सा सुधार आपकी आर्थिक सफलता का प्रमुख कारण बन सकता है। अपने ग्राहक की सेवा में सुधार लाने के तरीकों के बारे में कभी सोचना बंद न करें। आज ग्राहक सेवा का महत्व तो पहले से कहीं ज़्यादा है। जब कभी ग्राहक आपसे किसी चीज़ के लिए पूछते हैं, आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल अभी ही। ये मीठे शब्द आपके ग्राहक सुनना चाहते हैं। अध्याय 11, खुद के साथ और अन्य लोगों के साथ पूरी तरह से ईमानदार बने। सबसे कीमती और सबसे आदरणीय गुण जो आप अपनी प्रतिष्ठा के लिए अपने अंदर विकसित कर सकते हैं वो है ईमानदारी। आप जो भी करते हैं उसमें पूरी तरह से ईमानदार बनिए। हर काम में अपनी ईमानदारी के साथ कोई समझौता नहीं। आपके शब्द बहुत कीमती हैं। आपके शब्द आपके कर्म हैं, आपका सम्मान है। हर सफल व्यवसाय विश्वास पर आधारित होता है। स्वनिर्मित करोड़पति बनने की सफलता इस बात से तय होगी कि कितने लोग आप पर विश्वास करते हैं, कितने लोग आपके लिए काम करने के उत्सुक हैं, कितने लोग आपको प्रतिष्ठा देते हैं, कितने लोग आपके उत्पाद और सेवा खरीदते हैं, और कितने लोग कठिन समय में आपकी मदद करते हैं। आपका चरित्र आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और आपका चरित्र निर्भर करता है आपकी ईमानदारी पर। ईमानदारी का पहला सूत्र है, खुद के साथ ईमानदार बने। हर चीज में आप में जो सबसे अच्छा है उसके साथ ईमानदार बनिए। मतलब आप जो भी कर रहे हैं उसे अच्छी तरह करिए। ईमानदारी अंदर से प्रमाणित होती है, व्यक्तिगत ईमानदारी से और बाहर से आपके काम की गुणवत्ता से। ईमानदारी का दूसरा सूत्र है, जीवन में अन्य लोगों के साथ ईमानदार बनिए। कभी भी ऐसा न करें या कहें जो आपको लगता है सही या ईमानदार नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए ईमानदारी से समझौता न करें। यहाँ आपको खुद से हमेशा पूछने के लिए एक सवाल है, वो दुनिया कैसी होगी जिसमें सब मेरी तरह होंगे। ये सवाल आपको एक ऊंचा स्तर बनाने के लिए जोर डालेगा। ऐसे काम करें मानो आपके हर शब्द हर काम यूनिवर्सल लॉ बनेंगे। ऐसे बढ़ें मानो सब आपको देख रहे हैं और आप जैसे बन रहे हैं। और जब दुविधा हो वही करें जो आपको सही लगे, चाहे वो जो भी हो, उसकी कीमत जो भी हो। अध्याय 12, अपनी प्रमुख प्राथमिकता चुनें और उस पर एकाग्रता से काम करें। अगर आप प्राथमिकता बनाने की आदत डालें और उस पर एकाग्र होकर काम करें तो आप वास्तव में जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वो जो बहुत पैसा कमाते हैं, संपत्ति बनाते हैं और आर्थिक सफलता पाते हैं, उनकी सफलता का एक प्रमुख कारण ये भी है, अपने लिए सबसे प्राथमिक काम चुनना और तब उस पर तब तक काम करना जब तक कि वो पूरा न हो जाए। आपकी इच्छा शक्ति आपकी अनुशासनता और आपके व्यक्तिगत चरित्र की परीक्षा है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो ये सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है।
यहाँ एक सूत्र है, जब आप लक्ष्य बनाते हैं तो उसे हासिल करने के लिए आपको जो भी करना है उसकी सूची बनाएं, उसे प्राथमिकता के आधार पर बांटें और तब खुद से ये चार सवाल करें। पहला सवाल, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? आपके काम और व्यवसाय के लिए अन्य सभी चीजों से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? दूसरा सवाल, मुझे पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? मुझे किस काम के लिए रखा गया है? रिजल्ट पर ध्यान दें, न कि क्रिया पर। तीसरा सवाल, वो कौन सा काम है जो केवल मैं कर सकता हूँ? अगर अच्छे से करूँ तो क्या अंतर होगा? ये काम केवल आप कर सकते हैं, अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, लेकिन अगर ये आप करें तो इसका आपके व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन पर बहुत असर पड़ेगा, वो काम क्या है? चौथा सवाल, मैं अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे करता हूँ? इस सवाल का हर समय केवल एक जवाब होगा, अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग। तब उस काम को शुरू करना आपकी आर्थिक सफलता का सूत्र है। अंत में एक काम पर एकाग्र होकर काम करना शुरू करें, सबसे महत्वपूर्ण काम। वो काम तब तक करें जब तक कि वो 100% पूरा नहीं हो जाता। दूसरी ओर ध्यान न जाने दें, खुद को वो काम करने के लिए तब तक प्रेरित करते रहें जब तक कि वो पूरा नहीं हो जाता। अच्छी खबर ये है कि जब आप लगातार प्राथमिकता बनाने और सबसे महत्वपूर्ण काम पर एकाग्रचित होकर काम करने लगेंगे, आप जल्द ही उच्च स्तर पर काम करने की आदत बना लेंगे। ये आदत तब ऑटोमेटिक हो जाएगी और आपकी सफलता वास्तव में तय हो जाएगी। ये एक अकेली आदत ही आपको स्वनिर्मित करोड़पति बना सकती है। अध्याय 13, विश्वसनीयता और शीघ्रता के लिए अपनी प्रतिष्ठा बनाएं। समय 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा धन है। आज हर कोई अद्भुत हड़बड़ी में है। ग्राहक जिन चीजों को जानते भी नहीं थे वो उसे कल की तारीख में चाह रहे हैं। लोगों का धैर्य कम होता जा रहा है। अगर उन्हें कोई बेहतर सेवा देता है तो वफादार ग्राहक रातों रात अपने सप्लायर्स बदल लेते हैं। तुरंत की संतुष्टि अब शीघ्र नहीं रह गई। आपका काम है इस गति के लिए प्रतिष्ठा बनाना। अत्यावश्यकता को समझें, काम करने के लिए भाव विकसित करें, मौका मिलते ही आगे बढ़ें। अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है तो तीव्रता से काम करें। अगर आपके बॉस या आपका ग्राहक किसी चीज के लिए कहते हैं तो सबसे पहले उनका काम ऐसे करें कि वो दंग रह जाएं। आपने ये सुना होगा, जब आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसे किसी व्यस्त इंसान को दें। जो लोग जल्दी काम करने की प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं उन्हें अवसर ज़्यादा मिलता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम पाते हैं। आप सबसे प्रमुख काम चुनने की योग्यता और इस जल्दी और अच्छे से करने की क्षमता एक साथ रखते हैं तो आप खुद को आगे बढ़ता पाएंगे। आपके लिए वो दरवाजे भी खुलेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अध्याय 14, शिखर से शिखर तक चढ़ने के लिए तैयार रहिए। ठीक एक पहाड़ आरोही की तरह जो एक चोटी पर पहुंचता है और फिर दूसरी चोटी पर पहुंचने के लिए उसे घाटी में नीचे आना होता है, आपका जीवन भी उतार चढ़ाव की एक श्रृंखला होगा। आपने सुना होगा, जीवन एक प्रक्रिया है, दो कदम आगे और एक कदम पीछे। सभी बिजनेस जीवन चक्र और दौर के बने हैं। चक्कर कभी ऊपर है तो कभी नीचे। व्यवसाय में बदलाव प्राय इंडस्ट्री में बदलाव ला देते हैं। आज का युग इंटरनेट का है, टेक्नोलॉजी का सभी दिशा में प्रसार हो रहा है। ये हमारे पुराने विश्वास और सुझावों जिससे पहले व्यवसाय हुआ है को बदल रहे हैं। दीर्घकालीन दृष्टिकोण विकसित करें। आप जो भी करते हैं दूर तक सोचें, भविष्य के अगले 2, 3, 4 या 5 साल की योजना करें। जीवन के छोटे मोटे उतार चढ़ाव में भावनाओं में न बहें। खुद को हर समय याद दिलाते रहें कि आपके जीवन में सब कुछ चक्कर में चलता है। छोटे मोटे बदलावों में शांत और स्थिर रहें। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट है और आप उस चीज पर रोज काम कर रहे हैं, कुछ सालों बाद आपके दौर की दिशा ऊपर और आगे की ओर आ जाएगी। अध्याय 15, हर एक चीजों में स्व अनुशासन का अभ्यास करें। स्व अनुशासन जीवन में सफलता और स्वनिर्मित करोड़पति बनने का महत्वपूर्ण तत्व है जो आपको करना के लिए, अगर आप खुद को अनुशासित कर सकते हैं, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो, वास्तव में आपकी सफलता निश्चित है। स्वनिर्मित करोड़पति बनने का सूत्र है दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखने के साथ साथ लघुकालीन संतुष्टि को विलंबित करने की योग्यता। आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए दीर्घकालीन लक्ष्य बनाएं। हर एक दिन के हर एक खर्च को अनुशासित करें। आपको केवल वही करना है जो आपको आपके दीर्घकालीन लक्ष्य तक पहुंचने की निश्चितता
देता है। स्व अनुशासन में आवश्यकता है स्व प्रभुत्व, स्व नियंत्रण, स्व जिम्मेदारी और स्व दिशा की। सफल और असफल लोगों के बीच का एक प्रमुख अंतर है, सफल लोग उन चीजों को करते हैं जिन्हें करना असफल लोग पसंद नहीं करते। वो चीजें क्या हैं? वास्तविकता में सफल लोग भी उन चीजों को करना पसंद नहीं करते, फिर भी वो करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जीवन में उनकी जो आकांक्षाएं हैं उन्हें पाने के लिए उन्हें ये कीमत चुकानी होगी। सफल लोग खुशहाल रिजल्ट के बारे में सोचते हैं जबकि असफल लोग खुशहाल प्रक्रिया के बारे में सोचते हैं। सफल लोग लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करते हैं, वो काम जो मुश्किल है किंतु महत्वपूर्ण है, जबकि असफल लोग उन काम को करते हैं जो आसान है, जिन्हें करने में उन्हें मजा आता है, जो तुरंत का आनंद देता है। अच्छी खबर ये है कि स्व अनुशासन आपको हर दिशा में मजबूत बनाएगा। आप जब भी इसका अभ्यास करेंगे ये आपका सम्मान बढ़ाएगा, आप खुद को ज़्यादा पसंद करने लगेंगे और ज़्यादा मान देंगे, और आप स्व अनुशासन छोटी छोटी बातों में जितना लाएंगे ये आपको बड़ी चीज़ों में उतना मदद करेगा। याद रखें, जीवन में हर चीज़ एक परीक्षा की तरह है। हर दिन, हर घंटे और यहाँ तक कि हर मिनट आप परीक्षा दे रहे हैं। स्व प्रभुत्व, स्व नियंत्रण और स्व जिम्मेदारी की परीक्षा। परीक्षा ये है कि क्या आप खुद से उन कामों को करवा पा रहे हैं जो जरूरी है। जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, परीक्षा ये है कि क्या आप अपने दिमाग को उस जगह पर रख पा रहे हैं जो आप चाहते हैं, या अपने गुजरे दिनों की समस्याओं से घिरे हुए हैं। जब आप परीक्षा पास करते हैं तब आप आगे की ओर बढ़ेंगे। जब तक आप परीक्षा पास करते रहेंगे आप आगे बढ़ते रहेंगे। सफलता बहुत सारा अनुशासन मांगती है, जैसा कि जिम रोन कहते हैं, अनुशासन का वजन रुई जैसा है और असफलता का पत्थर जैसा। अध्याय 16, अपनी स्वाभाविक सृजनात्मकता को बाहर निकालें। यहाँ कुछ और अच्छी खबरें हैं। आप एक समर्थ प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। आप जितनी कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट हैं। आपने अब तक जितना इस्तेमाल किया है आपके पास उससे कहीं अधिक दिमाग और योग्यता है। आपके दिमाग के पास 10 अरब सेल हैं जो न्यूरॉन और डेंड्रॉइट्स के द्वारा अन्य 20,000 सेल से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब आपके दिमाग के सेल का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन विश्व के कुल माने जाने वाले मोलिक्यूल्स से ज़्यादा है। आपके सुझाव को विकसित करने की योग्यता आपकी सफलता के लिए असीमित है। इसका मतलब आपके सफल होने की योग्यता भी असीमित है। आपकी सृजनात्मकता में स्फूर्ति के लिए 3 तत्व हैं। पहला, तीव्रता से वांछित लक्ष्य। दूसरा, समस्या पर दबाव डालना। और तीसरा, केंद्रित सवाल। आप लक्ष्य को हासिल करने में अपने दिमाग को जितना केंद्रित करेंगे जीवन की समस्या को समाधान करने, सवालों के जवाब पाने में उतने ही स्मार्ट बनेंगे और भविष्य में आपका दिमाग और बेहतर काम करेगा। आपका मस्तिष्क, आपकी सृजनात्मकता एक मांसपेशी की तरह है। आप इसका इस्तेमाल जितना करेंगे ये उतनी लचीली और मजबूत बनेगी। आप वास्तव में अपना IQ बढ़ा सकते हैं। आपने आपको सारा दिन रचनात्मकता कामों में लगाइए। और याद रखिए, सृजनात्मकता सुधार का दूसरा शब्द है। हर समय एक नया सुझाव आपको आपके रिजल्ट तक पहुंचने का एक नया, बेहतर, शीघ्र, सस्ता, आसान तरीका देगा। ठीक वैसे ही जैसे आप मांसपेशियों को गहन परिश्रम के बाद बनाते हैं, दिमागी कसरत से आपका दिमाग बढ़ेगा। यहाँ आपके लिए मस्तिष्क क्षमता बढ़ाने और अपने बहुत अच्छा कर पाने के गुण को सफूर्ति में लाने के लिए एक अभ्यास है। कागज का एक पन्ना लें, अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को लिखें या सबसे प्रमुख समस्या सवाल के रूप में ऊपर लिखें, जैसे अगले 24 या 36 महीनों में मैं अपनी आमदनी दुगुना कैसे कर सकता हूँ। अब खुद को अनुशासित करके कम से कम 20 अलग अलग जवाब लिखें। अपने जवाब में से एक को चुनें, उस पर काम शुरू कर दें। रिजल्ट देखकर आप दंग रह जाएंगे। अध्याय 17, सही लोगों के साथ रहें। आपके जीवन में आपकी सफलता या खुशी का पूरे 85% इस बात पर निर्भर करता है कि आपके व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन में अन्य लोगों के साथ कैसे संबंध। आपके संबंध अन्य लोगों के साथ जितने सकारात्मक होंगे आप जीवन में उतने ज़्यादा सफल बनेंगे और उतने ज़्यादा खुश रहेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे। वास्तव में आपके जीवन के हर टर्निंग पॉइंट पर कोई ना कोई जरूर होगा, या तो आपकी मदद के लिए, नहीं तो आपके जीवन में बाधा डालने के लिए। सफल लोग अच्छे रिश्ते बनाने और निभाने की आदत डालते हैं। वो अच्छे लोगों से मेलजोल बढ़ाते हैं, परिणाम स्वरूप वो उन लोगों से कहीं अधिक सफल होते हैं जो हर रात घर जाकर TV देखते हैं।
हर चीज में संबंध की अहम भूमिका होती है। आपकी सारी समस्या गलत आदमी के साथ गलत संबंध बनाने का परिणाम होती है और आपकी सफलता अच्छे लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने की। आप उनकी मदद करते हैं और वो आपकी। आपकी 90% सफलता निर्भर करती है आपके मेलजोल पर। वैसे लोग जिनके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं, आप एक गिरगिट की तरह हैं। जिन लोगों के साथ आप ज़्यादातर समय रहते हैं, आप उनकी प्रवृत्ति, धारणा, स्वभाव का अनुसरण करते हैं। अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो सकारात्मक लोगों के साथ मेलजोल रखें, उनके साथ संबंध रखें जो आशावादी हैं, जिनके पास लक्ष्य हैं, जो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। निराशावादी लोगों से दूर रहें। स्वनिर्मित करोड़पति हमेशा नेटवर्क बनाते हैं। वो उद्योग कारोबार की हर मीटिंग में भाग लेते हैं, लोगों से मिलते हैं, खुद को अन्य लोगों के साथ संपर्क में लाते हैं, सोशल जीवन बनाते हैं, औरों से उनके और व्यवसाय के बारे में जानते हैं। यहाँ एक बहुत अच्छी रणनीति है, जब भी आप किसी नए आदमी से मिलें, उनसे उनके व्यवसाय के बारे में बात करें। उनसे खासकर वो बातें पूछें जिनकी आपको ज़रूरत है और फिर जितनी जल्दी संभव हो उनके पास ग्राहक भेजें। हमेशा देने की सोचें, न कि लेने की। नेटवर्क बनाने का सबसे अच्छा तरीका है औरों को उनके व्यवसाय में मदद करना। उनसे वापसी की उम्मीद कभी न करें। आप जितना देंगे आपको उस जगह से उतना मिलेगा जहां से आपने उम्मीद भी न की होगी। अध्याय 18, अपने स्वास्थ्य का अच्छा ख्याल रखें। दीर्घ जीवन और फिजिकल फिटनेस को ध्यान में रखकर देखा जाए तो हम लोग मानव इतिहास के सबसे अच्छे समय में जी रहे हैं। आज आप ज़्यादा जी सकते हैं और बेहतर जी सकते हैं। आपको अच्छे स्वास्थ्य के साथ 80 या 90 या 100 साल जीने का लक्ष्य बनाना चाहिए। अगर आप ये निर्णय ले लें तो आप ये कर सकते हैं। पहला, कम से कम 80 साल जीने का लक्ष्य बनाएं। फिर अपने आज के स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों को देखें। फिर खुद से पूछें, जिस तरह से आप जी रहे हैं, क्या ये तरीका आपको 80 साल की उम्र तक स्वस्थ रखेगा? दीर्घ, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने के 3 सूत्र हैं। पहला है सही वजन। अपने वजन को नियंत्रण में रखने का लक्ष्य बनाएं और बाकी के जीवन में फिट रहें। वजन घटाने और शारीरिक फिटनेस के लिए 5 शब्दों का एक फॉर्मूला है, ईट लेस एंड एक्सरसाइज मोर, कम खाना और अधिक कसरत। दूसरा सूत्र है उचित संतुलित आहार और उसका सूत्र है बेहतर खाएं, कम खाएं, प्रोटीन, फल, सब्जी ज़्यादा खाएं। अपने जीवन से मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, कैंडी और चीनी वाले भोजन निकाल देना। अलग से नमक लेना बंद करना और मैदा खाना बंद करना। 3 बार ज़्यादा मात्रा में न खाकर 4 या 5 बार कम मात्रा में खाएं। जब आप अपने खाने की आदत को नियंत्रण में कर लेंगे तो जीवन के अन्य हिस्सों पर भी नियंत्रण पा लेंगे। दीर्घ आयु की तीसरा सूत्र है उचित व्यायाम। इसमें ज़रूरत है सप्ताह में लगभग 200 मिनट कठिन शारीरिक व्यायाम की या औसतन 30 मिनट रोज। आप सप्ताह में 3 से 5 दिन 30 से 60 मिनट तेजी से चलकर इसे पूरा कर सकते हैं। अगर आप वास्तव में सीरियस हैं तो आपको हेल्थ क्लब ज्वाइन करना चाहिए या अपने घर में ही फिटनेस उपकरण लाना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। बहुत अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य और दीर्घायु का सूत्र है अपने स्वास्थ्य के स्तर का स्पष्ट खास लक्ष्य बनाना, योजना बनाना और हर दिन उस पर काम करना। स्वास्थ्य का ये प्रण स्व नियंत्रण और स्व अनुशासन मांगता है, लेकिन इसका नतीजा भी असाधारण होता है। अगर आपका लक्ष्य 10 लाख रुपये जमा करने का है तो स्वास्थ्य लक्ष्य होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जीना ताकि आप अपने पैसे से जीवन में आनंद प्राप्त कर सकें। अध्याय 19, निर्णायक और कर्मठ बने। स्वनिर्मित करोड़पति के गुणों में एक ये है कि वो बहुत सावधानी और ध्यान से सोचते हैं और फिर शीघ्रता से निर्णय लेते हैं। वो खुद को कार्यवाही के लिए अनुशासित करते हैं और उसे जारी रखने के लिए वो जल्दी आगे बढ़ते हैं और फीडबैक लेते हैं। अगर वो पाते हैं कि उनसे गलती हुई है तो वो जल्दी से उसे सही करते हैं और कुछ और कोशिश करते हैं। आपके लिए सफलता का सूत्र कोशिश करना। सफल लोग निर्णायक होते हैं और वो अन्य लोगों से कहीं ज़्यादा कोशिश करते हैं। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अनुसार अगर आप सफल होने के लिए बहुत बार कोशिश करते हैं तो आप सही समय पर सफल हो जाएंगे। असफल लोग निर्णय नहीं ले पाते। उन्हें पता होता है कि उन्हें ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, लेकिन एक मजबूत निर्णय लेना उनके चरित्र में नहीं है या उनके पास संकल्प शक्ति नहीं है। वो कभी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाते। वो उससे कहीं कम पाते हैं जितना कि उनके लिए संभव था। जब आप निर्णायक बनते हैं, आप शीघ्रता से जीवन में चलते हैं। अन्य लोगों के मुकाबले आप एक दिन में कहीं ज़्यादा काम करते हैं। अपने आसपास के लोगों से कहीं
आगे बढ़ते हैं, आप खुद को ज़्यादा ऊर्जा, स्फूर्ति और प्रेरणा में टैप करते हैं और ये आपको बहुत आनंद देता है। और तब ये सकारात्मक ऊर्जा आपके लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ाता है। अध्याय 20, असफलता को अपना विकल्प कभी न बनाएं। असफल होने का डर व्यस्त जीवन में सफलता की सबसे बड़ा रुकावट है। याद रखें, असफल होने से आप और ज़्यादा मजबूत बनते हैं, आपका संकल्प और भी दृढ़ हो जाता है। असफलता का डर या पहले से खुद को असफल मान लेना आपको अपंग बना सकता है। सफलता के रास्ते में जाने से ये आपको पीछे खींचेंगे। एक नौजवान जर्नलिस्ट ने एक बार IBM के संस्थापक थॉमस जे वाटसन सीनियर से पूछा, वो इतनी तेजी से इतने सफल कैसे हो गए? वाटसन ने इसका जवाब बहुत ही सुंदर शब्दों में दिया, अगर आप तेजी से सफलता चाहते हैं तो अपनी असफलता का डर दुगुना कर दीजिए। सफलता असफलता के बहुत दूर रहती है, आगे बढ़ने का साहस करें। स्वनिर्मित करोड़पति हमेशा अपने लक्ष्य की दिशा में रिस्क लेने को उत्सुक रहते हैं। आपकी रिस्क लेने की प्रवृत्ति आपके धनवान होने की उत्सुकता का इंडिकेटर है। आपने जब भी रिस्की परिस्थिति का सामना किया है, खुद से ये सवाल करें, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो सबसे खराब वो क्या चीज़ है जो हो सकती है? और फिर जैसा स्वनिर्मित करोड़पति जे पॉल केटी ने कहा, ये जो भी है ये नहीं होगा, आपको ये सुनिश्चित करना होगा। सच ये है कि सब लोग असफलता से डरते हैं, सब गरीबी और घाटे से डरते हैं, लेकिन स्वनिर्मित करोड़पति लगातार हिम्मत से इस डर का सामना करते हैं और हर हाल में कार्यवाही करते हैं। रैल्फ W. एमर्सन ने लिखा, अपने जीवन में उन तमाम चीज़ों को करें जिससे आप डरते हैं, ऐसा करने से डर का मरना निश्चित है। जब आप हिम्मत से काम करते हैं, आपके अंदर एक शक्ति आती है, हर काम आपका साहस बढ़ाता है। जब भी आप सफलता की आशा किए बिना आगे की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, आपका भय खत्म हो जाएगा और आपका साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा और आखिरकार आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां आप किसी बात से नहीं डरेंगे। शायद सबसे अच्छी पंक्ति फिल्म अपोलो 13 में यूजिन ग्रांट से आई, जो फिल्म में मिशन कंट्रोल के हेड है। जब उनके चारों तरफ लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि संभवतः अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्री डूबने वाले हैं, तो उन्होंने जोर से उद्घोषणा की, असफलता विकल्प नहीं है। आपका काम है खुद को वचन देना स्वनिर्मित करोड़पति बनने का। आपका काम है खुद के लिए लक्ष्य बनाना, उसे लिखना और हर दिन उसके लिए काम करना। आपको खुद को हर दिन ये याद दिलाना है कि हर समस्या या कठिनाई में असफलता विकल्प नहीं है। ये आपको अन्य किसी चीज़ से ज़्यादा दीर्घकालीन सफलता की निश्चितता देगा। अध्याय 21, दृढ़ता परीक्षा पास करें। दृढ़ता चरित्र का अति बलशाली गुण है। जैसे स्टील के लिए कार्बन है, ठीक वैसे ही चरित्र के लिए दृढ़ता ये अत्यावश्यक गुण है। जीवन में सफलता के लिए यह आवश्यक और महत्वपूर्ण है। यहाँ सफलता और दृढ़ता का एक महत्वपूर्ण रहस्य है। अगर आप सफलता के रास्ते पर जाने के लिए काम कर रहे हैं, तो अपने दिमाग को बाधा और निराशा के लिए पहले से ही तैयार कर लीजिए। आप पहले से ही प्रण कर लें कि चाहे जो भी हो, आप हार नहीं मानेंगे, दृढ़ रहेंगे। जब आप कठिनाइयों और समस्याओं से पराजित हो जाते हैं, उस समय आपके पास दृढ़ता बनाने का पर्याप्त समय नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप पहले से ही उन उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहेंगे जो टल नहीं सकता, तो जब आप उसका सामना करेंगे तो आप मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। अनुपयुक्त समय और कठिनाइयों का सामना करने के लिए दृढ़ता एक ऐसा गुण है जो अन्य किसी चीज़ से ज़्यादा आपकी सफलता को तय करेगा। ये आपकी प्रमुख व्यक्तिगत पूंजी हो सकती है। सही मायने में दृढ़ता खुद पर आपके विश्वास और सफलता के लिए आपकी योग्यता का सही मापदंड है। याद रखें, जीवन एक परीक्षा है। आपको आपकी सफलता के लिए दृढ़ता की परीक्षा देनी होगी, उसे पास करना होगा। और ये परीक्षा अक्सर अचानक आती है, ये कभी भी हो सकती है, और प्रायः उस समय जब आपने उम्मीद न की हो। ये वो समय है जब आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को ये दिखाते हैं कि आप किस मिट्टी के बने हैं, आप क्या कर सकते हैं। ग्रीक दार्शनिक ने एक बार लिखा था, परिस्थितियां व्यक्ति को नहीं बनाती, उनको तो व्यक्ति केवल महसूस करता है। आपके जीवन में एक चीज जो टाली नहीं जा सकती, वो बार बार संकट का आना। अगर आप एक व्यस्त जीवन जी रहे हैं, तो हर 2 या 3 महीनों में आप संकट का सामना करते हैं। इस संकट को टाला नहीं जा सकता,
आपके पास जितना बड़ा लक्ष्य होगा, आपके सपने जितने बड़े होंगे, स्वनिर्मित करोड़पति बनने का जुनून जितना ज़्यादा होगा, आप उतने ज़्यादा संकट और समस्या का सामना करेंगे। इस संकट को नियंत्रण में करने का एकमात्र उपाय है संकट और कठिनाइयों में शांति से निपटना। और अच्छी खबर ये है कि आप इसे जितने धैर्य और सकारात्मक तरीके से निपटेंगे, आप उतने ही मजबूत होंगे और एक दिन आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप प्रकृति के एक बल की तरह हो जाएंगे, आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। आप ऐसे इंसान हो जाएंगे जो कभी हार नहीं मानता, चाहे जितनी भी कठिनाई हो आपके रास्ते में, जो भी रुकावट आए, आप आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेंगे, आप आगे की ओर बढ़ते रहेंगे।